पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो उसके ऐसे क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है। आप उसको कुछ भी खिलाती हैं पिलाती हैं, वो उसके बॉडी को नहीं लग पाता है और काफ़ी कमज़ोर आपका बच्चा रहता है। पेट से संबंधित उसको प्रॉब्लम बनी ही रहती है। चाहे ये मैं इसमें जो आप बात करूँगी वो हर एज के बच्चे का है, जैसे 0 से 6 मंथ तक की बेबी को भी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वीक रहता है तो उसके क्या कारण हैं। बड़ा बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है, तो आज मैं अपनी वीडियो में कम्प्लीटली 0 से 5th यानी 5 साल तक के बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे उसको रिकग्नाइज करोगे कि आपके बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कमज़ोर है। आप ऐसे क्या कर रहे हो या क्या खिला रहे हो, क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से कमज़ोर है, उसको आप किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, कि कौन सा आप खाना खिलाएं कि जिसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक ना रहे, स्ट्रॉन्ग बना रहे, और कौन सी ऐसी चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि जिसकी वजह से आपका जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा और फिर कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो बच्चे को गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट फूला फूला रहता है, या फिर बच्चे को लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है, या खाते ही वॉमिट बच्चा आपका कर देता है, या फिर आपने कभी कभी ये सुना होगा कि बच्चा खाते ही पॉटी कर रहा है, ठीक है, उसके कुछ सेकंड्स या मिनट बाद बच्चा पॉटी कर देता है, ठीक। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये होते हैं बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम बनी रहती है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि बच्चा जन्म से ही वीक रहता है या प्रीमेच्योर बेबी है तो उसका ये प्रॉब्लम रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने की। लेकिन कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसे अपने बच्चों के साथ करते हैं या हमसे ही वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को वो सारी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें भी कुछ स्पेशली बातों को ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से आपका जो बच्चे का डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो सबसे पहले अब यही जो उसके जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं। ध्यान रखिए, अगर बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है या खाने के तुरंत बाद पॉटी कर देता है, या फिर उसे लूज मोशन अक्सर बने रहते हैं, कब्ज़ की शिकायत रहती है, गैस की रहती है, वॉमिट कर देता है, तो ये आप समझ लीजिए ये सिम्टम्स हैं कि आपके बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है, ठीक है। अब आपके थ्रू ऐसे कौन से मीन्स ऐसे क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो वो आप जान लीजिए। सबसे पहला कारण मैं बताऊंगी, जो छोटे बच्चों का मैं बता दे रही हूँ, 0 से 6 मंथ या 1 ईयर तक के बच्चों का आप ले लीजिए, जो कि मदर फीड पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि उनका डाइजेस्टिव क्यों वीक रहता है। सबसे पहले, या जैसे माँ का जो दूध होता है कभी कभी बच्चे को सूट नहीं कर पाता, या तो वो माँ की जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चे का जो दूध है वो माँ को बच्चे को सूट नहीं कर पा रहा माँ का दूध, ठीक है। तो उसके लिए आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट में ऐसे वैसे खाने लें, अच्छे फूड लें, लाइट फूड लें, जिससे कि दूध भी अच्छा बने और आपके बच्चे को आपका दूध डाइजेस्ट भी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही काउ मिल्क पिलाने लग जाते हैं, हालांकि डॉक्टर मना करते हैं, अच्छा भी होता है, लेकिन जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं ना उनके लिए काउ मिल्क अच्छा रहता है, क्योंकि जो प्रीमेच्योर बेबी हैवी दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको गाय का दूध सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, पतला होता है, बच्चे आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बेबी को गाय का दूध सूट नहीं होता, तो आप दूध अगर गाय का दे रहे हैं, अगर बच्चा उसे पीते ही वॉमिट कर रहा है या फिर उसे लूज मोशन हो रहे हैं, वाटरी पॉटी आ रही है, तो आप दूध स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मिल्क जो मिल्क है वो भी किसी बच्चे को सूट नहीं करता है, तो आप जो दूध पिला रहे हैं अपना, चाहे फॉर्मूला मिल्क चाहे काउ मिल्क, ध्यान रखिए अगर इनको पिलाने के बाद बच्चा वॉमिट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप इनको स्किप करके देंगे, हफ्ते 2 हफ्ते पिलाइए, सेम कंडीशन है बच्चे की, पच नहीं पा रहा है, गैस बन रही है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप दूध चेंज कर सकते हैं, आप बफेलो मिल्क भी दे सकते हैं। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं, बफेलो मिल्क नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि बफेलो मिल्क मैंने अपने बच्चे को पिलाया है, ईजी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसको सही तरीके से आप पिलाएँ, थोड़ा सा छोटा बच्चा है, थोड़ा पतला करके पिलाएँ, ठीक है।
थोड़ा पतला करके, मतलब जितना आप एक बोतल दूध ले रहे हो तो आधे से थोड़ा कम उसमें पानी मिला लीजिए। अच्छे से बॉईल करिए, अच्छे से बॉईल करने के बाद हल्का जब ठंडा हो जाए फिर बच्चे को पिलाइए। इतना ठंडा हो के कि बच्चे का मुंह ना जले, ठीक है ना, ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर। तब इस तरीके से आप बफेलो का दूध पिला सकते हैं। सारे न्यूट्रिशन, सारे प्रोटीन, सारे पोषक तत्व बफेलो मिल्क से मिलते हैं, है ना। तो आप बफेलो मिल्क पिला सकते हैं। जैसे अमूल के पैकेट वाले दूध आते हैं, वो अगर किसी किसी जो जो सिटीज़ हैं वहाँ नहीं मिलते हैं बफेलो मिल्क, पैकेट वाले ही दूध आते हैं, तो वो पैकेट वाले दूध पिला सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप जो भी दूध पिला रही हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, दूसरा आप पिला कर देखिए। और बेटर रहेगा कि डॉक्टर से ज़रूर आप पूछ लें, ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरी कि बच्चा जब दूध पीता है तो आप चाहे बॉटल से दूध पिला रहे हो, चाहे अपने आप अपने ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, जो निप्पल है बच्चे की पूरी मुंह में जानी चाहिए। मींस वो बच्चे कभी कभी गैस को अंदर मुंह में निगल लेते हैं, तो गैस के कारण भी बच्चे का जो दूध है वो बाहर वॉमिट के थ्रू निकल जाता है, वो ठीक से पच नहीं पाता और बच्चे का जो पेट है वो फूला फूला रहता है। तो एक ये वाली बात ध्यान रखिए। दूसरे कि आप जब बॉटल से ही दूध अगर अपने बच्चे को पिला रहे हो, मीन्स बॉटल इंक्लूड है बच्चे की फीडिंग में, तो आप बॉटल को अच्छे से क्लीन करें। बॉटल अच्छे से क्लीन ना करने के कारण भी बच्चे को लूज मोशन बने रहते हैं, इन्फेक्शन बना रहता है, ठीक है, डायरिया हो जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती, वॉमिट हो जाती है। तो बॉटल अगर आप बच्चे को यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छे से क्लीन आपको करनी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। इन सब बातों को ध्यान रखें तो छोटे बच्चे को फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बड़े बच्चे के लिए कि जो आराम से खा लेते हैं, जिनको हम प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, जो सॉलिड फूड इजीली खा लेते हैं, उनके साथ हम क्या मिस्टेक करते हैं कि जिसकी वजह से जो बच्चे हैं खाते ही वॉमिट करते हैं, उनको दस्त लगे रहते हैं, ठीक है, या खाने के तुरंत बाद उनको पॉटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। जैसे हम बच्चे को खिला रहे हैं, खिलाने के बीच बीच में अगर बच्चे को आप पानी पिला रहे हैं तो वो पानी, जो पानी आप पिला रहे हो वो पानी बच्चे के फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देगा और बच्चे का जो जो पाचन तंत्र है वो वेक बना रहेगा। दूसरा, हम बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड, ये इनकी आदत डाल देते हैं, जैसे पैकेट फूड आते हैं, जैसे चिप्स हैं और कुरकुरे टाइप में, ये सारी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करें। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी, अब जब तक आपका 7-8 साल तक का बच्चा नहीं हो जाता ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बहुत ही रेयर जब ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है, बहुत ही रेयर अपने बच्चे को दें, क्योंकि यही पीक टाइम होता है जिस टाइम बच्चे का माइंड ऑल ओवर बॉडी उसके अच्छे से डेवलप कर रही होती है। उसी टाइम अगर बच्चे को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाए, अच्छा खाना नहीं मिल पाया, और जंक फूड, फास्ट फूड या पैक्ड फूड पर ही अगर बच्चे को आपने डिपेंड कर रखा है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें दे रही हैं, तो बच्चे का मानसिक शारीरिक दोनों ही विकास रुक जाएंगे। वो ग्रोथ तो होगी लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट होगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप जितना हो सकता है घर का खाना, हेल्दी खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खिलाएं और इन सारी चीज़ों को बच्चे से बिल्कुल दूर रखें। घर में ये सारी चीज़ें लाएं ही नहीं, किसी को भी अपने बच्चे को बिल्कुल भी ना खिलाने दें पैकेट वाली चीज़ें, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। तो खाना खिलाते समय बच्चे को बहुत मतलब बीच बीच में, अगर जैसे मान लो बच्चे को मिर्च लग गई या बच्चे को इटक गया, तब आप बीच में घूंट पानी दे सकती हैं, या खाना फिनिश होने के बाद 1 या 2 घूंट पानी आप दे सकती हैं। कोशिश करें बच्चे को हल्का वार्म वाटर दें, ठंडा पानी ना दें, ठीक है, तो वो बच्चे को आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब बच्चा खाना खा लेता, फिनिश कर लेता है, उसके आधे घंटे बाद आप बच्चे को पानी पिलाएं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड देना बंद कर दें बच्चे को। अगर आप बच्चे को स्पाइस खिलाना स्टार्ट कर दिया या मिर्च वाला खाना, तो तीखा खाना बिल्कुल भी ना दें, ये वाली बात ध्यान रखें। साथ ही आपको और क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को जब आप खाना खिला रहे हो तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी बच्चे को करने दें, खेलने दें, है ना। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको खुद उसकी मसाज करें, एक्सरसाइज करवाएं, उसको खिलाएं अपने साथ। बड़ा बच्चा है, 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो उसको एक्टिविटी करने दें। जितनी अच्छी एक्टिविटी करेगा बच्चा उतना ही बच्चे का खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसे भूख लगेगी। एक
मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चों का एक टाइम टेबल शेड्यूल, जो खाने का शेड्यूल है वो फिक्स कर दें कि इस टाइम पर आपको बच्चों को खाना खिलाना है। कुछ मदर ऐसी होती है कि उनको ये लगता है कि बस मैं खिलाती रहूँ मेरा बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त और मोटा हो जाए। नहीं, अगर आप हर वक्त उसको खिलाती रहोगे तो बच्चे का जो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी भी एक लिमिट है, वो बच्चे का वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं करेगा और खाना वेस्ट होगा, बच्चे को लूज मोशन हो जाएंगे। इसीलिए बच्चे का एक टाइम टेबल फिक्स करें कि बच्चे को इस टाइम खाना देना है, तो बच्चे को वो आराम से पचेगा भी और पचने के बाद उसे फिर दोबारा से भी भूख लगेगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। खाने का तो ये हो गया। अगर अगर बच्चा आपका प्रॉपर सो नहीं रहा है, प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, तब भी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, पचता नहीं है, तो बच्चे को प्रॉपर नींद भी होनी ज़रूरी है। जितनी नींद उसको चाहिए उसको उतनी नींद सोने दें, गलत टाइम पर उसको सुलाएं नहीं और गलत टाइम उसको उठने ना दें। कोशिश करें कि सही टाइम पर उसे सुला दें और सही टाइम पर उसको उठाएं, ठीक है, जिससे बच्चा इरिटेट भी नहीं होगा और उसका खाना अच्छे से पच भी जाएगा और बच्चा ज़रूर आपका हेल्दी बना रहेगा। ठीक, इसके साथ और क्या आपको एफर्ट्स करने हैं कि जिससे कि बच्चे का पाचन तंत्र मजबूत बना रहे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दे सकती हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दे सकते हैं या फिर दही खिलाएं। इनसे क्या होता है, बच्चे का इम्यून और डाइजेस्टिव दोनों ही स्ट्रांग बनते हैं, तो ये आप दे सकते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर आप बच्चे को खिलाइए, हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखनी है कि बच्चे को बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही खिलाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अभी सिर्फ लिक्विड फूड ही खा सकता है, आप उसे सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट कर दें या फिर इतना सॉलिड दे रहे हो कि बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा भारी खाना बच्चे को ना दें। उसके एज के अकॉर्डिंग कि बच्चा उसे डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पतला खाना बनाना है या थोड़ा थिक खाना बनाना है, कंसिस्टेंसी ध्यान रखें बच्चे की फूड की और उस तरीके से ही फूड बनाएं कि जिसे बच्चे इजीली खा ले और उसे अच्छे से पचा ले, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी पिलाएं, लेकिन खाने के बीच में या खाने के इमिडिएटली बाद आप पानी बच्चे को बहुत ज़्यादा ना दे दें। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा और उसे पॉटी वाली समस्या या डायरिया वाली समस्या या खाने के तुरंत बाद पॉटी करने की प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है। तो आगे के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव स्ट्रांग बना रहे, तो इन सारी बातों को प्लीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा खाते ही वॉमिट कर रहा है या खाने के तुरंत बाद पॉटी कर देता है और 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, कि यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा ना एक्टिव एक्टिव रहते हैं और बीच बीच में पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर जंक फूड या फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर पैक्ड फूड खा रहे हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, तो आई होप आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बना रहेगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ ये स्टेप आपको अपने बच्चे के लिए लेने होंगे। तो आई होप माई पेरेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।